तो बताइए बीटू और सीवन की जो संख्या निकल रही है वो मान लीजिए कि 2000 निकल रही है, 1500 निकल रही है मेडिकल मतलब पास होने के बाद में, और सीट वहाँ मान लीजिए मात्र 500 है, तो बताइए 1500 स्टूडेंट बाहर होंगे कि नहीं होंगे। तो बस हम लोग का मांग यही था कि जितना सारा सीट 2019 में थे उसी सीट पर हम लोग को ज्वाइन किया जाए, सबको लेटर दिया जाए, सबको अपॉइंटमेंट दिया जाए। पहले बताओ था बीटू सीवन की वैकेंसी नहीं है इनके पास, हम तैयारी नहीं करते, हम लोग तैयारी ही नहीं करते हैं। वो इस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, वो बोलते हैं मेरे पास इसका जवाब नहीं है। इसका जवाब देने का मतलब है कि आप हम पे उंगली उठा रहे हो, आपने घपलाबाजी किया है, इसी कारण से आप ये सवाल पूछते हो। तो रेलवे के हिसाब से मतलब हम लोग फिट है, अनफिट नहीं है। बस वजह यही है कि हम लोग को पोस्ट न मिलने का कारण कुछ है जो रेलवे की वजह से। 2019 में वैकेंसी हम लोग को जब निकाला गया था तो उस समय में सारे को पोस्ट थे, A2 का भी था, A3 का, B1 का, B2 का, सारे को बांटा हुआ पोस्ट था, मतलब कितना कितना पोस्ट है। तो उस समय B2 C1 का बहुत सारे पोस्ट थे, मतलब सारे स्टूडेंट को मिल जाते हैं अगर B2 C1 वाले अगर पोस्ट को डिक्रीज ना किया जाता तब। और ये डिक्रीज कब कर दिया जा रहा है, जब मान लीजिए कि जिसको पैनल देने की बात आ रहा है, सारे चीज़ हम लोग प्रक्रिया पास हैं, मतलब उनका एग्ज़ाम भी दिए हैं, बहुत अच्छे मार्क्स 87-88 मार्क्स वाले को भी नहीं मिल रहे हैं, उसके बाद में मार्क्स नहीं 88 मार्क्स वाले को भी नहीं मिल रहे हैं, मतलब पोस्ट किसका, B2 और C1 वाले को। तो 2023 में इन लोग का क्या क्या, जब पैनल की बात आ रहे हैं तो सिर्फ B2 और C1 को पोस्ट को घटा दे रहे हैं, और उसमें नोटिस में उनको लिखा हुआ था कि हम ज़रूरत पड़ने पर हम पोस्ट को घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। तो ठीक है, आपको नोटिस में लिखा हुआ कि पोस्ट को हम घटा सकते हैं बढ़ा सकते हैं, तो आप बताइए सिर्फ C1 वाले का तो नहीं ना घटा सकते हैं, B2 वाले का तो नहीं ना घटा सकते हैं। ये कहीं पे नोटिस में नहीं लिखा हुआ कि हम C1 को घटा देंगे, B2 को घटा देंगे और A2 में ट्रेल देंगे, इस तरह से कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। तो बताइए B2 और C1 की जो संख्या निकल रही है वो मान लीजिए कि 2000 निकल रही है, 1500 निकल रही है मेडिकल मतलब पास होने के बाद में, और सीट वहाँ मान लीजिए मात्र 500 है, तो बताइए 1500 स्टूडेंट बाहर होंगे कि नहीं होंगे। तो बस हम लोग का मांग यही था कि जितना सारा सीट 2019 में थे उसी सीट पर हम लोग को ज्वाइन किया जाए, सबको लेटर दिया जाए, सबको अपॉइंटमेंट दिया जाए, बस उसी सीट पर दिया जाए। 19 में वैकेंसी निकली, 22 में एग्जाम हुआ, 4 साल का गैप लगभग, दिसंबर में किसी का एग्जाम हुआ, 4 साल 7 महीना गैप हो गया, इतना लंबा गैप हो गया, तो ऐसे तो एज निकलती चली जाएगी। सर पहले ही बताओ था तो हम तैयारी क्यों करते, पहले बताओ था B2 C1 की वैकेंसी नहीं है इनके पास, हम तैयारी नहीं करते, हम लोग तैयारी ही नहीं करते हैं। जैसे जैसे पैसे करके तैयारी की इसकी हमने। कहाँ से आए हो आप? हम UP से। किस जगह से? अलीगढ़। अच्छा, और सर ये 4 साल बाद बोलते हैं, ज्वाइनिंग के जस्ट पहले आधे घंटे पहले बोलते हैं आपके लिए जॉब नहीं है, अब किसको हम क्या जवाब दें, घर वालों को क्या जवाब दें कि कल तक वो खुश थे कि आपको जॉब हो गया, जॉब हो गया, अब एकदम से क्या जवाब दें उनको, हमारा जॉब नहीं हो पा रहा है। सत्ताधारी दल के नेताओं ने कहा है कि जॉब की कमी नहीं है, काम करने वालों की। अरे सर एग्जाम पास करने वालों के लिए जॉब नहीं है, बिना एग्जाम वालों को तो क्या जॉब देंगे, क्या जॉब की कमी नहीं है इनके पास, इतने एग्जाम है, इतने मेरिट में नाम है, मेडिकल पास है हम लोग, फिजिकल पास है सारे लोग, सब लोगों के अच्छे अच्छे मार्क्स भी हैं, 80 नंबर, 75 नंबर, 100 में से 85 नंबर, सबके अच्छे अच्छे नंबर ला के बैठे हैं ये लोग। अच्छा, हाँ, किसी का मेरिट में नाम है, बोल रहे हैं ये लोग मेरिट में आपका नाम है, बट लेकिन आपके लिए जॉब नहीं है। जॉब क्यों नहीं है? अब ये वही पोस्ट रिवाइज कर दिया इन्होंने, सीट ही नहीं हमारे पास, सीट नहीं है इनके पास। अच्छा, ये लोग सीट क्यों नहीं है, फिर वैकेंसी क्यों निकाली जब सीट? हाँ, वही तो मैं पूछना चाहता हूँ सर इससे, मैंने एक सवाल इससे पूछा कि आप केवल ये बता दीजिए कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड B2 या उनसे नीचे है, और क्योंकि उनके पास डाटा हो ना हो मेरे पास जरूर डाटा है कि एक बोर्ड में कितने सीट है B2 और C1 के लिए। वो इस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, वो बोलते हैं मेरे पास इसका जवाब नहीं है। इसका जवाब देने का मतलब है कि आप हम पे उंगली उठा रहे हो, आपने घपलाबाजी किया है, इसी कारण से आप ये सवाल पूछते हो। सवाल तो आप गलत पूछ रहे हैं, क्योंकि विश्वगुरु बनना है भारत, आप उसकी रामरोला बन रहे हैं जो। हाँ, तो वो कहते हैं कि आपके पास अधिकार नहीं है, आपके पास कोई राइट्स नहीं है कि ऐसे ऐसे सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि आपका नाम आया, आप अपने से मतलब रखिए, दूसरों से क्या लेना देना है। इसीलिए सर एक अधिकारी रेल मंत्रालय के सेक्रेटरी थे, वो बोले मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे सवाल को सुनने का, ना ही जवाब देने का। आज भी एक अधिकारी से शायद बातचीत हुआ तो वो भी कुछ सुने नहीं। रेलवे बोर्ड के ऑफिस RRC दिल्ली का लाजपत नगर में, उनसे भी बात हुआ, वो भी बोले कि मेरे पास समय नहीं, इसलिए मैं पर्सनली मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ। कौन? तो माननीय नरेंद्र मोदी जी, आई थिंक भारत के अभी भगवान वही हैं, उनसे मैं मिलना चाहता हूँ, और या हमारे रेल मंत्री से, ताकि हमारी बातों को वो सुन सके, शायद भगवान के पास टाइम हो। अच्छा, उनके पास में टाइम है? हाँ, वो भगवान है, भगवान है, मैं भगवान मानता हूँ, हाँ भगवान मानता हूँ, क्योंकि भारत के 80% आबादी का घर तो उन्हीं से चलता है। अच्छा, हाँ एकदम। कैसे? अब वो बोलते हैं मैं सालाना 5 करोड़ नौकरी दे रहा हूँ। 80% आबादी का घर चलता है उनसे? हाँ। तो 80% में आप नहीं आते क्या सर?
आज कहाँ अगर आता नौकरी क्यों मांग रहे हैं नौ इसलिए क्योंकि मेरा मेरिट में नाम है हम भीख थोड़ी ना मांग रहे हैं चल रहा है ना भीख हम थोड़ी ना मांग रहे हैं इसलिए तो मैं हम लोग आपसे गुजारिश कर रहे हैं सर महीने दिन का समय मैं देता हूँ कि आप लोग से अगर हो सके हम सब के लिए एक मीटिंग भी अरेंजमेंट करवा दीजिए ना सर हमारे माननीय रेल मंत्री से या प्रधानमंत्री से अब प्रिपरेशन कर लिए पेपर निकाल लिए उसके बाद चार पाँच साल बाद आप बोलते हो हमारे पास वैकेंसी नहीं है इसकी तो हमारा टाइम क्यों लॉस किया इतना